नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोल्डर एक्सरसाइज के बारे में कि एक पैरालिसिस पेशेंट को किस तरह से अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहले समझने वाली बात है कि शोल्डर जॉइंट कैसा है। अक्सर हम एक पैरालिसिस पेशेंट में कॉमन दिक्कत देख रहे होते हैं कि शोल्डर और यहाँ पर एक गैप तैयार हो जाता है ना, कि यहाँ पर गड्ढा सा बनना शुरू होता है। पेशेंट आते, देखो सर यहाँ पर गड्ढा हो गया, ये मेरा ना कंधा निकल गया। तो सबसे पहले जानने वाली ये बात है कि ये गड्ढा, ये जो गैप आप देख रहे हो, इससे आपने डरना नहीं है। आपके कंधे को, आपकी इस बाजू को यहाँ चिपकाए रखने के लिए यहाँ पे मांसपेशी है ना। देखो आप छू के देखो, यहाँ पर आपको मोटा मोटा महसूस होगा ना, इसे आप हिलाओगे देखोगे यही मांसपेशी इसको ऊपर नीचे हिला रही है। अब पैरालिसिस पेशेंट में क्या होता है कि मसल रिलैक्स ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये जो छोटी मसल है ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है, खिसक जाती है, क्योंकि मसल तो काम नहीं कर रही, उसमें जो टोन है, उसमें जो खिंचाव है, जो उसमें स्ट्रेंथ है, वो ढीली पड़ जाती है। तो होता ही ये है कि ये जॉइंट थोड़ा सा खिसक जाता है और यहाँ पे गैप बन जाता है। ये उतरा हुआ कंधा नहीं होता, ये खिसका हुआ कंधा होता है। खिसकना और उतरने में फ़र्क होता है। अगर आपका शोल्डर डिसलोकेट हो जाए, उतर जाए, तो आप बिल्कुल इसको अप डाउन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ऐसा करेंगे तो बहुत दर्द होगा, क्योंकि आपकी ये शोल्डर का समझो कि ये यहाँ हड्डी के ऊपर ऐसे बॉल गुंबद सा बना होता है, बॉल सी बनी होती है और एक सॉकेट में जा रही होती है और आपका कंधा इस तरह से मूव कर रहा होता है, हड्डी इसमें मूव कर रही होती है। अब अगर ये हड्डी निकल के इसके बाहर आ जाएगी तो आप इसे हिला पाओगे? नहीं हिला पाओगे ना। ये इसी में ढीली हो जाती है, थोड़ा सा बाहर आता है, इस तरह से बाहर आता है, गैप तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऊपर यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखोगे तो एक गड्ढा सा महसूस होता है। बस दैट्स इट, ये निकल के बाहर नहीं आया, ये गड्ढे के अंदर ही है बट थोड़ा सा ढीला हो गया है। जैसे दरजे का कब्जा ढीला पड़ जाता है वैसे कुछ है। तो इसको समझो कि ये डिसलोकेशन नहीं होती, अगर होती तो बहुत सीवियर पेन होगा शोल्डर के अंदर, जो कि अनबेरेबल होता है। तो डिसलोकेशन नहीं है, खिसका हुआ कंधा है। अब इस शोल्डर की हमने एक्सरसाइज तो करनी है। अक्सर पेशेंट इसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं करता कि मेरा कंधा तो उतरा हुआ है, मुझे दर्द होगा। तो आपने इसकी एक्सरसाइज इस तरह से करनी होती है कि ये अपनी जगह भी ले ले और आपके कंधे में मूवमेंट आने शुरू होता है। मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं लकवे को समझने से कि लकवे में, पैरालिसिस में आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। क्या आपके कंधे की मांसपेशियां खराब हुई हैं या फिर कहीं और दिक्कत है? क्योंकि जब हमें पैरालिसिस हुआ था, हम जब डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने ब्रेन का MRI करवाया था, कंधे का नहीं करवाया था। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब पैरालिसिस है, लकवा है, उसके जो सबसे बड़ा कारण क्या होता है? दिमाग के अंदर खून का थक्का आना या दिमाग के अंदर किसी नस का फट जाना। अब ये जो दिमाग के अंदर खून का थक्का किस हिस्से में आया था, दिमाग के किस हिस्से में आया था, उस पर डिपेंड करता है कि लकवे में आपको किस हिस्से का काम करना नहीं मिलेगा। अगर आपका खून का थक्का लेफ्ट साइड आया तो राइट साइड का हाथ पैर बंद होंगे, अगर राइट साइड आया तो लेफ्ट साइड के आपके हाथ पैर बंद होंगे। तो अपनी रिपोर्टें निकालो और उसमें देखो, वहाँ पे लिखा होगा राइट और आपका लेफ्ट काम नहीं कर रहा होगा, वहाँ लिखा होगा लेफ्ट और आपका राइट काम नहीं कर रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेन को नुकसान होने की वजह से, ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके हाथ पैर को चलाता था, उसको नुकसान पहुँचने की वजह से आपको पैरालिसिस हुआ है, आपका हाथ पैर नहीं चल रहा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा हाथ पैर चले तो मुझे अपने ब्रेन पे काम करना पड़ता है, ब्रेन के जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी पड़ती है। क्योंकि जब आपको पैरालिसिस हुआ था, क्लॉट आया था, तो पहले 3-4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 3-4 घंटे के अंदर अगर वो क्लॉट निकल जाता है तो पैरालिसिस के जो सिम्टम है बहुत थोड़े से आते हैं, मगर अगर ये 3-4 घंटे में सही ट्रीटमेंट ना मिल पाए तो ब्रेन को परमानेंट टाइप का डैमेज होता है। इस परमानेंट टाइप का डैमेज होने की वजह से हमारे हाथ पैर की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, हाथ पैर नहीं चलना शुरू होते हैं। अब सवाल ये होता है कि इसे किस तरह से हम चालू कर सकते हैं, किस तरह से हम ब्रेन को ठीक करते हुए अपने हाथ पैर को ठीक कर सकते हैं। तो ब्रेन को एक टेलीफोन एक्सचेंज की तरह समझो कि वो बहुत सारे काम एक साथ कर रहा होता है, हर अंग से देख भी रहा है, बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, दिल भी चल रहा है, हमारे लंग्स भी चल रहे हैं, हम सांस भी ले रहे हैं, हमारा खाना भी पच रहा है। ये सब कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है। इसी वजह से जो हमारा ब्रेन होता है उसको मास्टर ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब ये जो ब्रेन होता है ना, इसमें हर चीज़ के साथ कनेक्शन बने हुए हैं, आपके पेट के साथ, आपकी स्किन के साथ, आपके आंखों के साथ, सबके साथ कनेक्शन बने हुए हैं, तभी हम सारा कुछ देख कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, याद कर पा रहे हैं। अब ब्रेन के अंदर एक हिस्से को नुकसान पहुंचा जो आपके हाथ पैर को चला रहा था। अब हमारे हाथ पैर को चलाने वाले जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा, अब बाकी हिस्सा तो हमारा ठीक है, बाकी काम तो हम कर पा रहे हैं। तो जो हम बाकी काम कर पा रहे हैं उन हिस्सों से हमें मदद लेनी पड़ती है। जैसे अगर मान लो मेरे पास पैसे कम है तो मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा, कहूंगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा पैसे दे दो, मैं अपना जो काम है, जो अपने घर चला रहा है, मैं चला लूंगा।
ब्रेन भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। ब्रेन के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा वो जो काम करता था वो अपने पड़ोसियों से कहता कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। मगर ये प्लीज़ मेरा काम कर दो हम उसे कैसे बताते हैं कि आपने कहना है, वो कैसे करवाए, उसे ज़रूरत कैसे लगे? क्योंकि जब तक आपको ज़रूरत नहीं होती आप मांगोगे नहीं, है ना। आपके घर में पहले से पड़ा हुआ तो आप किसी से मांगोगे नहीं ना। मगर हमने भी तो उस ज़रूरत को पैदा करना होता है। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम करते हैं एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ उठा रहे, उठ नहीं रहा, उठ नहीं रहा। अब ब्रेन को लग रहा है कि मुझे इस हाथ को उठाना है तो मुझे अपने पड़ोसियों से बात करनी चाहिए कि वो मेरी मदद करे। ये चीज़ होती है। इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है क्योंकि वो आपकी ज़रूरत बनाता है, आपके ब्रेन की ज़रूरत बताता है कि ब्रेन उस पर काम शुरू करे। अपने पड़ोसियों से कहे, जो हिस्सा नुकसान पहुँचा है वो अपने पड़ोसियों से कहे प्लीज़ मेरी मदद कर दो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि इसलिए हम एक्सरसाइज करवाते हैं कि वो आपकी रिक्वायरमेंट तैयार करता है, आपकी वो ठीक होने की भूख तैयार करता है। और जिस पेशेंट में ठीक होने की इच्छा होती है वही पैरालिसिस से बाहर निकल पाता है। जो पेशेंट सोचते हैं कि मुझे ठीक नहीं होना, मैं ठीक नहीं होना चाहता, उनको कोई मदद नहीं कर पाता। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने अंदर इच्छा शक्ति लेकर आना कि मुझे आज की तारीख में ठीक होना है। अब हम आज बात कर रहे थे इस वीडियो के अंदर शोल्डर एक्सरसाइज की, जिसको हम कहीं पीछे भूल आए हैं, हम भूल ही गए हमने इस बारे में बात कर रहे थे। तो वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं और शोल्डर की एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं। अभी शोल्डर हमने बताया कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये हमारा एक खोल के अंदर चल रहा होता है। आपके सामने इमेज भी आ गई, अब आप समझ गए होंगे जो मैं ऐसे बना रहा हूँ वो क्यों बना रहा हूँ। अब इसकी देखो ये रोटेशन है, हम बॉल डालते हैं ना, क्रिकेट की बॉल डालते हैं ऐसे रोटेशन करके डालते हैं, ये इसकी मैक्सिमम मूवमेंट है, ये इसकी मैक्सिमम मूवमेंट है। इससे ज़्यादा हमारा हाथ नहीं चलता है ना, किसी भी डायरेक्शन में इससे ज़्यादा नहीं जाता ना। बस यही एक्सरसाइज आपको करनी होती है क्योंकि यही हमारी ज़रूरत है। तो तीन एक्सरसाइजेस, अप डाउन, लेफ्ट राइट, इसे पीछे तो जाएगा नहीं ना। तो ये एक्सरसाइज हम करने की कोशिश करेंगे, इसमें हमारी रोटेशन ही होगी और सबको एक साथ करने का तरीका ये होगी। अब ये एक्सरसाइज करनी कैसे है, तो आप एक दीवार के साथ खड़े हो जाओ, है ना। अब दीवार के साथ खड़े होने के बाद आप दीवार पे घेरा बनाने की कोशिश करो कि इस तरह से मैं इस पे घेरा बना सकूं। तो अपना हाथ लिया और इस तरह से घुमाना शुरू किया। अब ये एक्शन हम कहीं और भी करते हैं, जब कोई खेत में मतलब यू नो घास काटता है, चारा काटता है, तो ये मूवमेंट होती है। अच्छा, ये मूवमेंट एक और जगह होती है पार्कों के अंदर, पार्कों में आजकल जिम लग गए हैं तो वहाँ पर भी एक चक्री होती है, है ना, ये चक्री। तो ये जो चक्री है जो हम किसी यू नो मशीन के साथ करें या दीवार के साथ खड़े होकर इस तरह से करें, ये एक्सरसाइज का पार्ट है। इसे आप करने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, शोल्डर की रोटेशन कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाती है, कुछ नहीं बचता। हाथ नीचे भी गया, ऊपर भी आया, वो भी पीछे से, तो ये वाली एक्सरसाइज भी हो गई, मतलब इस तरह से लाने की आपको भी इसमें ताकत आ गई, ये वाली भी आ गई, और रोटेशन सिर्फ रोटेशन से। तो सिर्फ शोल्डर की रोटेशन करने से शोल्डर की सारी एक्सरसाइज एक ही साथ हो जाती है, हमें उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिन में अगर 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को सिर्फ हम शोल्डर की रोटेशन भी करते हैं तो भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर शोल्डर की सारी दिक्कतें सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। जो गैप आ गया है, जो गड्ढा बन गया है, वो भी जाना शुरू कर देता है। मगर ये तब शुरू हो पाता है जब हम अपने ब्रेन पे काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसके लिए ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी हेल्प की। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिलो क्योंकि उनकी कंडीशन भी आपकी जैसी थी, अब नहीं है। उन्होंने कैसे किया ठीक अपने आप को, जब उनको सुनोगे ना, समझोगे, आपको समझ में आएगा कि आपका दर्द अकेला आपका नहीं है, आपके साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं। और किस तरह से हमने उनकी मदद की आप वो भी समझ जाओगे, और किस तरह से आपने अपनी मदद करनी है आप वो भी समझ जाओगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में, राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला एक महीने के साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई, कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले सुबह 8/8 और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मेरे को, मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा, चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैं सिर्फ मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा, मैंने मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ, मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मैंने कहा मेरे हाथ पर और पैर में चींटियाँ चल रही हैं।
अच्छा, तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा। अच्छा, तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटियाँ थी, बंधु घर, तो स्कूटर पर बैठा के मुझे आर एम एल ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन, उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी उस समय? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई। अच्छा, और जब साइंस संजीवनी में आए तो क्या कंडीशन थी? साइंस संजीवनी में जब आया तो मैं चल तो रहा था मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन थी थोड़ा सा बताओ? हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा, अब पूरा हाथ उठाओ। अब मेरा हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो गई। अब चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे। अब कितना टाइम में ये हुआ? एक महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पे इतनी मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमेशा ब्रेन पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते, पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट थी, जो रुक गई थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियाँ मुड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने की दवाई खा लूँगा मगर मुझे सही हो। अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, इतनी अगले महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। अभी सुनने में आया, आप बाइक से आए हो, बाइक चला कर आए हो? पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता, नहीं, बेटे के साथ में थी, बेटा मेरा पीछे। कितने टाइम के बाद आपने बाइक चलाई है? 4 महीने बाद। ठीक है, इनमें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने उस टाइम के अंदर आए जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इम्प्रूवमेंट दिखा देता है। तो देखा, पैरालिसिस को हराना बहुत आसान काम है, पर ज़रूरत होती है सही रास्ते की। एक बार आपको रास्ता सही मिल जाता है, फिर ज़रूरत होती है उस पर दौड़ने की कि अब मैं इसको जीत के रहूँगा। तो आप पैरालिसिस को हरा सकते हैं अगर आप सही तरीके से सही कदम उठाते हैं, ना सिर्फ अपने हाथ पैर पे काम करते हैं बल्कि अपने ब्रेन पर भी काम करना शुरू करते हैं। और जब हम ब्रेन पर काम करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से शोल्डर की एक्सरसाइज के बारे में आप इन डेप्थ नॉलेज दे दिया होगा, आप समझ गए कि किस तरह से हम शोल्डर की एक्सरसाइज, सिंगल एक एक्सरसाइज कर अपने शोल्डर के गैप को भी खत्म कर सकते हैं और शोल्डर की भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।